हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ शिक्षा माई सेल्फ शिक्षा सिंह। आज आप लोगों के लिए मैं कॉटन की साड़ी कैसे ड्रेप करते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि कॉटन की साड़ियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा फूली वाली साड़ी होती है, वो ड्रेप करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो सारी ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से। ये रहा मेरा फाइनल लुक जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा सा इसका साइड का लुक जो है बहुत ही अच्छा से आया है। इसका प्लेट्स भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से ड्रेप किया हुआ है। तो ड्रेप करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा ब्लाउज का पीस जो मैं हाइड कर दूँगी, क्योंकि ब्लाउज का जो पीस है वो साड़ी से हटके है, इसलिए मैं इसे टक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर टक करेंगे तो ये जो साड़ी है वो आसमानी कलर की साड़ी है, दिखेगा कि मैंने कोई अलग से पीस टक किया हुआ, इसलिए हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद मैं एक राउंड कंप्लीट कर लूँगी टकिंग। जो फर्स्ट राउंड होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो बेसिक राउंड अगर अच्छे से टक नहीं होता है कॉटन की साड़ियों में, तो कितना ही अच्छा आपकी साड़ी है तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। कितनी भी महंगी साड़ी आप ड्रेप कर लो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगने वाला है। सो मैंने अपना फर्स्ट राउंड अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। इसकी जो फिनिशिंग है मुझे बहुत ही अच्छे से देनी है। और आप लोग देख रहे हो बैली बटन के ऊपर, अगर आप टक करना चाहते हो तो आप बैली बटन के ऊपर भी टक कर सकते हो, और बैली बटन के नीचे अगर आप टक करना चाहते हो सारे फैब्रिक को तो आप बैली बटन के नीचे भी टक कर सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप कैसे साड़ी ड्रेप करते हो। ये रहा मेरा पूरा फैब्रिक जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब बारी आती है प्लेट्स की, कि कॉटन की साड़ी में पल्लू के प्लेट्स कैसे अरेंज करें। ये जो मेरी साड़ी है कॉटन की, इसमें बहुत ज़्यादा जो जड़ी वर्क है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप जड़ी वर्क में कैसे प्लेट्स अरेंज कर पाते हो? आप यहाँ से प्लेट्स अरेंज करते हो कि थोड़ा सा आगे से प्लेट्स अरेंज करते हो, या पूरा जड़ी वर्क लेके प्लेट्स अरेंज करते हो? ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जो ये ग्रीन कलर का हल्का दिखाई, ग्रीन या येलो में दिख रहा है आप लोगों को, वहीं से आपको प्लेट्स में अरेंज करना है। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल साड़ी में जॉर्जेट की साड़ियाँ होती हैं उसमें बॉर्डर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेट्स आप अरेंज कर लेते हो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको कि आप कैसे प्लेट्स अरेंज कर पाते हो, क्योंकि कॉटन की साड़ी में कितने भी अच्छे से आप प्लेट्स अरेंज करते हो तो कहीं ना कहीं एक दो प्लेट्स आपका छूट ही जाता है। एंड कितने भी अच्छे से आप प्लेट्स अरेंज कर लेते हो तो फूला फूला सा ज़रूर दिखाई देता है। अगर ऐसे आप प्लेट्स अरेंज करते हो जैसे मैंने बताया है तो बिल्कुल ही आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एंड बहुत ही इजी तरीके से आपका सारा प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा कॉटन की साड़ी में। ऐसे ही कॉटन की साड़ी अगर आप ड्रेप करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सारे प्लेट्स आपके सेट हो जाएंगे, और बहुत ही प्यारा जब आपका फाइनल लुक आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। सो मेरा सारा प्लेट्स रेडी हो चुका है। इसे मैं बैक साइड से घुमाते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। जब आपका शोल्डर पे सारे प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, उसके बाद आप रेस्ट के पास जो प्लेट्स है उसे भी आप अच्छी तरीके से सेट कर लें, क्योंकि कॉटन की साड़ी में अच्छे से प्लेट्स सेट तो होता नहीं है, क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा फूली फूली सी दिखाई देती है। ये रहा मेरा फ्रंट प्लेट जो मैं सामने की तरफ ले आई हूँ। सामने की तरफ लाने के बाद इसे मैं थोड़ा सा टाइटली खींचते हुए एक अच्छा सा शेप आ जाए, इतना मुझे खींचना है। आप लोग देख रहे हो मैंने अपने जो राइट हाथों से थोड़ा सा फैब्रिक वैसे चिंगोड़ते हुए ले लिया है, क्योंकि ये मैंने इसलिए किया है, ये बाद में मैं अपने प्लेट्स को अरेंज करूँगी जिससे कॉटन की साड़ी में अच्छे से सारा प्लेट सेट हो जाए। एंड मैं अपने राइट वाले पैर पे सारे फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करते हुए पेटीकोट को लेते हुए अरेंज कर लूँगी। आपको थोड़ा सा प्लेट्स इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी अगर नई नई साड़ी है तो वो फटने का डर भी लगा रहता है सेफ्टी पिन से, इसलिए अगर आप थोड़ा सा प्लेट्स में अरेंज करके सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हो तो आपका एक भी फैब्रिक फटने वाला नहीं है। अब बारी आती है प्लेट्स की, कि कॉटन की साड़ी में नीचे का प्लेट्स कैसे अरेंज करें। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही कॉटन की साड़ी में प्लेट्स नहीं अरेंज कर पाते हैं, तो उनके लिए ये सारा ट्रिक्स उन्हीं के लिए है। वो अगर ऐसे साड़ी ड्रेप करेंगे कॉटन की साड़ी तो बहुत ही इजी तरीके से सारे प्लेट्स उनके अरेंज हो जाएंगे। सो मैं अपने राइट साइड से प्लेट्स बनाना अरेंज करूँगी, क्योंकि कॉटन की साड़ी में अगर राइट साइड से आप प्लेट्स बनाते हो तो आपका जो सामने का प्लेट्स होता है वो आप चौड़े प्लेट्स में रखते हो तो वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, आपको सेट करने की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो प्लेट्स में ही सेट हो जाता है। सो मैं उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेट्स को वन बाई वन करके
सारे प्लेट्स को सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद नीचे का जितना मुझे टक करना है फैब्रिक उसके नीचे मैं अपने सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से अपने लेफ़्ट वाले हाथों से पकड़ लूँगी कि मुझे इतना टक करना है। आप लोग देख रहे हो मैं लेफ़्ट हाथों से उतना अपना फैब्रिक ली पकड़ ली हूँ एंड अपने राइट हाथों से मैंने उतना फैब्रिक टक कर दिया है। जो फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसे मैं उसी के डायरेक्शन में अच्छे से सेट कर दूँगी और उसकी फिनिशिंग जो है मुझे बहुत ही अच्छे से देनी है। अब सारे प्लेट्स को लेते हुए मैं अंदर से एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी जिससे कॉटन की साड़ी में मेरा एक भी प्लेट्स निकले ना और चलते फिरते इधर उधर मेरा प्लेट्स हो भी ना और बहुत ही अच्छे से सारे प्लेट्स सेट हो जाएं। आप लोग देख रहे हो जो साइड का शेप बना है प्लेट्स में वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब मैं नीचे वाला प्लेट्स जो मेरा था मैं उसी अकॉर्डिंग सारे प्लेट्स को सेट कर लूँगी। एंड देन कॉटन की साड़ियों में आपको ये बात बहुत ही ध्यान से देखना है कि जो प्लेट्स बने हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेट्स को आपको सेट करना रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दूसरा आप फैब्रिक ले लेते हो तो आपका सारा प्लेट्स ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, जैसे मैं कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग सारे प्लेट्स को मैं सेट कर ले रही हूँ। एक भी फैब्रिक आपको छोड़ना नहीं है, सारे फैब्रिक को अपने हाथों से प्रेस करते हुए जब नीचे का आप सारा कॉर्नर अपने हाथों से पकड़ लें प्लेट्स वाले जो होते हैं कॉर्नर, उसके बाद आपको उतना फैब्रिक को वैसे अपने हाथों से मुड़ेर देना है, क्योंकि अगर ऐसे मुड़ेर देते हो तो आपका सारा प्लेट्स एक ही सीक्वेंस में सेट हो जाते हैं एंड एक भी प्लेट्स आपका निकलता भी नहीं है कि इधर उधर आपका एक भी प्लेट्स जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा ड्रेपिंग कम्प्लीट हो चुका है, उसे मैं अपने जो मेरा सारा प्लेट्स डेप करते समय इधर उधर हुआ था बस वही मैं अपना सारा प्लेट्स अच्छे से सेट कर लूँगी। ऐसे ही आपको सारा प्लेट्स एक बार डेप करने के बाद सारा प्लेट्स आप सेट कर लेंगी, क्योंकि अगर डेप करते हुए आप लोग जानती होंगी इधर उधर हो जाता है, आप प्लेट्स इधर उधर हो जाएंगे तो जब आपका फाइनल लुक आएगा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। कितनी भी साड़ी आप अच्छे से डेप किए रहोगे तो बाद में आप जब सारा डेपिंग कम्प्लीट कर लोगे तो एक बार सारे प्लेट्स को आपको चेक कर लेना है। दिस इज़ माई फाइनल लुक, ये रहा मेरा फाइनल लुक आप लोगों के सामने जो बहुत ही इजी तरीके से मैंने कॉटन की साड़ी डेप करके बताया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने बताया है आप लोगों को, ऐसे ही आप लोग भी डेप करना चाहते हो तो बहुत ही इजी तरीके से आप लोग भी डेप कर सकते हो। देख रहे हो एक एक प्लेट्स कितने अच्छे से मैंने कॉटन की साड़ी में डेप किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर ऐसे आप लोग भी डेप करेंगे तो बिल्कुल ही ऐसे लगने वाला है आप लोगों के ऊपर। एंड देन अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा कॉटन की साड़ी ड्रेप करने में तो मेरे लाइक के बटन को हिट कर सकते हो एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो देन टेक केयर एंड बाय।